बार के चुनाव में हमने देखा है कि ये भूमिका कुछ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसने अपने यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को निर्विरोध बिना किसी हील हुज्जत के चुनवा दिया, बिना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स के हुए, और यहाँ तक तो कुछ जगह पर ऐसे हुए हैं कि जो जिसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चेयरमैन बनाया गया उस तक को इम्पोर्ट किया गया दूसरी पार्टी से, क्योंकि तो लोग ही नहीं थे। तो जब ये सबसे बड़ी खासियत मान ली गई अफसरों की, तो ऐसे में अफसरों में भी एक तरह की होड़ सी हो गई है कि कौन ज्यादा बेहतर डिलीवरी दे सकता है। और उस बेहतर डिलीवरी देने में मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव आते समय बाकायदा लोगों ने अपनी सर्विसेज रेंडर की होंगी कि साहब हमें भेजिए, हम जाएंगे तो हम और बेहतर करके दिखाएंगे आपके फेवर में। और जैसा अभी शरद जी ने कहा, ये भी सोची हुई बात है, तयशुदा बात है कि चुनाव आयोग अगर मान लिया, अवल तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, अगर चुनाव आयोग बहुत प्रोएक्टिव होकर और शिकायतों पर ध्यान देता है, और अगर वो कहता है कि नहीं साहब फलानी जगह से बहुत गड़बड़ियों की शिकायत आ रही है, बहुत इनकी वो है, हटाना है, तो हटाने के बाद चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है, तो जो भी 3 अधिकारियों का फाइनल भेजा जाएगा वो भी फाइनल सरकार के पास पहले से तैयार होगा, या उच्च स्तर पर जो अधिकारी होंगे उनको अगर बदलने की बात है तो उनका भी पैनल तैयार होगा। उन सब चीजों की तैयारी बहुत दुरुस्त तरीके से की जा चुकी होगी, क्योंकि अब मुझे लगता है प्रशासनिक स्तर पर जो कुछ भी किया जाना है उसका उस पर मंथन, उस पर सारी चीजें जो है वो उसको जीरो इन कर चुके होंगे। अब तो आने वाले दिनों में बस आपको हर दिन जो है वो लंबी लंबी लिस्टें देखनी है तबादलों की, बहुत फील्ड लेवल स्टाफ से लेकर और ऊपर तक बैठे हुए लोग जो वाकई में जिनका चुनाव में जिनकी भूमिका होती है वो अब लगातार होने हैं। और विश्वास तो देखिए जनता में, आप किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि डीएम बैठाला गया है नया तो वो किसके लिए बैठाला गया है या किसके हित की बात करेगा। अब ये सब चीजें ऐसी हैं वो इतनी ज्यादा दिलो दिमाग में बैठ चुकी हैं लोगों की कि अब इन पर किसी को कोई हैरानी नहीं होती है तो कि साहब वो जनता का मत निष्पक्ष काम कहाँ है देगा। देखिए सिद्धार्थ जी, इसमें जनता के मत से ज्यादा कहीं तो ये प्लानिंग से चलेंगी ना चीजें। देखिए डायरेक्ट इलेक्शंस में आमतौर पर हमने देखा है कि अगर जनता का कुछ मन बना हुआ होता है, जनता अगर तय कर लेती है, तो उसमें बहुत ज्यादा कोई फेरबदल करवा सके या कोई किसी को दबाव डालकर कोई अपने मनमाफी किसी के लिए नतीजे निकलवा सके ये संभव नहीं है। क्योंकि हमने पंचायत के चुनाव में देखा है, जबकि पंचायत के चुनाव में बड़ा माइक्रो लेवल पे उस तरह के चुनाव होते हैं, वहां आमतौर पर सत्ताधारी पार्टियां वो जीतती रही हैं, लेकिन अगर जनता का मन नहीं है या जनता ने अगर कुछ अपना दिमाग बना लिया है तो वहां पर बहुत ज्यादा संभव नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो इसकी भी सरकार होती है, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है, वो सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशियों को कोई शिकायत ना हो, उनको लगे कि सब उनका जो वो चाहते हैं, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके का मैनेजमेंट, जिस तरीके की सहूलियतें चाहते हैं उनको मिलती रहे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हाँ अगर जनता के फैसले को बदलवा सकने की तो इतनी कुव्वत तो नहीं है, क्योंकि ये हर चुनाव उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 चुनाव से तो देख रहे हैं कि ठीक चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर फेरबदल, और 3 चुनावों से तो जो सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं वही बदल जाती हैं, फिर बदल अधिकारियों का होता है, फिर सरकार बदल जाती है, तो ऐसा तो होता रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।